किदवई नगर पुलिस द्वारा एक डकैतों के ग्रुप का अनावरण को ट्रेस किया गया है, जिसमें चार लोग गिरफ्तार हुए हैं, सलमान, शकील, आरिस और अफरोज, और तीन जो इनके साथी हैं ये भी फरार हैं, छोटी उल्लू और तौहीद। इनकी इनके खिलाफ पूर्व में भी काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं, और रिसेंटली इनके खिलाफ चकेरी में एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें इन्होंने लूट की थी। इसके अलावा इनके कार्यप्रणाली इस प्रकार थी कि इन्होंने रिसेंटली एक ओला कैब में अपनी गाड़ी चलाई थी, और ये बाहर घरों के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी करते थे और रेकी करने के बाद घरों से जाकर चोरी को अंजाम दिया करते थे। यदि व्यक्ति मौजूद होते थे तो लूट का प्रयास करते थे। तो ये इनकी कार्यप्रणाली। क्या कोर्ट के थ्रू ये लोग काम करते थे, किस तरीके से घटना को अंजाम देते थे? इसमें से जो चालक होते थे और दो बाहर निगरानी रखने के लिए होते थे, और तमंचा भी कई बार ये लोग कैरी करते थे, और अंदर जाने के बाद रेकी करने के बाद ये लोग कोड वर्ड यूज़ किया करते थे, जिंदा घर व मुर्दा घर, और इनके रिस्पेक्टिव मीनिंग हुआ करते थे। क्या क्या बरामद हुआ इन लोगों के पास से? इनके पास से जो गाड़ी ओला में चलाते थे वो बरामद हुआ है, इसके अलावा तमंचा और कारतूस और जो ताले तोड़ने के लिए जो औजार का इस्तेमाल किया जाता था वो भी बरामद हुआ है, और चोरी की एक गाड़ी बरामद हुई है, इसके साथ ही चोरी के मोबाइल और कुछ कैश भी बरामद हुआ है। जो फरार अभियुक्त हैं उनकी क्या मतलब अभी लोकेशन है? इसमें हमने एक टीम गठित करी है, और जो छोटू उर्फ शावेज है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस ग्रुप में इम्पोर्टेंट लीड का रोल प्ले करता है, तो इसके लिए एक टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही इनको भी गिरफ्तार किया जाए। कितनी घटनाओं को अभी तक अंजाम दे चुके हैं? इसमें सभी व्यक्तियों का अलग अलग आपराधिक इतिहास है, और कई मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज हैं, लूट के, चोरी के, NDPS और आर्म्स एक्ट के तहत ये जा चुके हैं।